Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. आज का जो हमारा लेक्चर है ये FSC Part 2 का दूसरा लेक्चर है. चैप्टर नंबर 1 है Periodic Classification of Elements and Periodicity और टॉपिक है Improvements in Mendeleev's Periodic Table. जो मेंडलीव ने पीरियाडिक टेबल दिया था उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स. अब मॉडर्न पीरियाडिक लॉ है क्या? मॉडर्न पीरियाडिक लॉ है व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स देयर प्रॉपर्टीज रिपीट इन द पीरियाडिक मैनर. सारा कुछ वही है जो मेंडलीव ने किया. मोज़ले ने इसमें चेंज क्या की? उसने एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पे रेंज कर दिया, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी मोज़ले ने ही डिस्कवर किए थे. तो इसने एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पे रेंज किया और इसने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अरेंज होती हैं, रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल जब एलिमेंट को आप एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करेंगे. अब इसने कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जब एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया. वो इम्प्रूवमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं. नंबर 1, पोजीशन ऑफ द सम एलिमेंट्स वाज चेंज्ड. पीरियाडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन को इसने चेंज कर दिया. कैसे? देखिएगा, पोटेशियम, इसका मास 39 है और आर्गन का मास 40 है. अब अगर मेंडलीव के पीरियाडिक टेबल के मुताबिक एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करें तो पहले पोटेशियम आएगा और बाद में आर्गन आएगा. लेकिन जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 था और इसका पोटेशियम का 19. तो जब मोज़ले ने इनको एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया तो फिर पहले आर्गन आया क्योंकि उसका 18 है और बाद में पोटेशियम आया 19. तो इस तरह इसने इन्वर्ट कर दिया, तरतीब को उलट कर दिया. मेंडलीव ने मास की बेस पे अरेंज किया तो मास की बेस पे तो पहले पोटेशियम आएगा बाद में आर्गन आएगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है. लेकिन जब एटॉमिक नंबर की बेस पे इसको रीअरेंज किया गया तो पहले आर्गन आया और बाद में पोटेशियम आया. इसी तरह उसने निकल और कोबाल्ट की अरेंजमेंट को भी चेंज कर दिया था. ये एक उसने चेंज की कि उसने एलिमेंट्स की पोजीशन को ही बदल दिया. नंबर 2, उसने एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड कर दिया मेंडलीव के पीरियाडिक टेबल में एंड दैट ग्रुप वाज फॉर नोबल गैसेस. उसने नोबल गैसेस के लिए ग्रुप 8A ऐड कर दिया. एक्चुअली मेंडलीव ने जब अपना पीरियाडिक टेबल दिया, पीरियाडिक ला दिया, तो उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर ही नहीं हुई थी. नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुई हैं, तो इसने नोबल गैसेस को एक स्पेसिफिक ग्रुप दे दिया, ग्रुप 8A. ये दूसरी इंप्रूवमेंट थी. थर्ड इंप्रूवमेंट, इसने पीरियाडिक टेबल को 2 ग्रुप्स में, ए और बी, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. यानी ग्रुप्स को फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया. मेंडलीव के पीरियाडिक टेबल में 8 ग्रुप थे, इसने ए और बी में कन्वर्ट कर दिया. कैसे? देखिएगा एग्जांपल. अब मेंडलीव के पीरियाडिक टेबल में क्या था? ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी एक ही ग्रुप में मौजूद थे. ये सारे एलिमेंट्स को मेंडलीव ने ग्रुप 2 में रखा था. लेकिन मोज़ले ने क्या किया? उसने ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को ग्रुप 2A में रख दिया और जिंक, कैडमियम, मरकरी को ग्रुप 2B में रख दिया. इस तरह इसने सब ग्रुप्स ए और बी का आइडिया दिया, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, इनकी प्रॉपर्टीज जिंक, कैडमियम और मरकरी से डिफरेंट थी. तो इसने सब ग्रुप्स का आइडिया देकर इनको ग्रुप बी में रख दिया, जिंक, कैडमियम और मरकरी को. ये तीसरी इंप्रूवमेंट थी. जी, प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 2A आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप 2B, डिफरेंट थी इसलिए इसने अलहदा कर दिया. एक और अहम मसला, सबसे बड़ा मसला जो मेंडलीव के पीरियाडिक टेबल के साथ था, वो था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स में, क्योंकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है,
लेकिन मैस डिफरेंट होता है। तो अगर एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज करें तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, तो हाइड्रोजन तो तीन दफा आएगा पीरियाडिक टेबल में, क्योंकि एक का मैस वन है, दूसरे का मैस टू है, और तीसरे का मैस थ्री है। इसी तरह निकल के पांच आइसोटोप हैं, सिल्वर के 16 आइसोटोप हैं। अगर मैस की बेस पे अरेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन चूंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हैं तो सबका एटॉमिक नंबर वन है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करेंगे तो सारे आइसोटोप एक ही जगह पे आ जाएंगे। इस तरह आइसोटोप्स की पोजीशन का मसला भी हल हो गया, जो कि मेंडलीव के पीरियाडिक टेबल में मौजूद था। पांचवी इंप्रूवमेंट, पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। मेंडलीव ने लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को भी प्रॉपर एक प्लेस दे दी, इनको 14-14 की रोज बना दी पीरियाडिक टेबल के नीचे। जैसा कि देखें ये पीरियाडिक टेबल है, ये दो नीचे रोज हैं, ये वाली लेंथेनम से शुरू होके ये ल्यूटेटियम तक जाती है और ये एक्टिनियम वाली है। तो ये 14-14 की इसने दो रोज बना दी है, 14-14 की दो रोज इसने बना दी, ये लेंथेनाइड्स को इसने जगह दे दी यहाँ पर। इसी तरह नोबल गैसेस के लिए ये राइट साइड पे ग्रुप 8A ऐड कर दिया उसने। ये थर्ड ईयर स्टूडेंट्स मेंडलीव के पीरियाडिक टेबल में जो मोजले ने इम्प्रूवमेंट्स की थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पीरियाडिक टेबल में जो 7 के 7 पीरियड्स हैं ये वाले, इन पीरियड्स को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, 7 पीरियड्स को, कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और इन पीरियड्स के नाम क्या हैं। थैंक यू वेरी मच।